हेलो बेटा, टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द सेकंड नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द अकाउंटेंसी फॉर क्लास 11th एंड द टुडेस टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। देखिए बेटा, अभी तक हमने मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा, यूजेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा, फिर बुक कीपिंग में और अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग का डिफरेंस पढ़ा, और अब हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग कि साहब जो अकाउंटिंग की जाती है वो क्यों की जाती है। तो देखिए, हमारे सामने लिखे हुए हैं 6 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें से पहला ऑब्जेक्टिव है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। सर देखिए, बिजनेस ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड जो है वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उनको रिकॉर्ड करना क्यों जरूरी है समझिए। एक बिजनेस एक निर्धारित समय में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस को ऑपरेट करता है, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस एक बिजनेस में की जाती हैं। अगर हम उनका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेंगे तो एक बिजनेस ओनर के लिए हर एक ट्रांजैक्शन को याद रखना होगा, और जो कि एक बहुत ही कठिन कार्य रहेगा उसके लिए बेटा, विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू कीप ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन हैपेंड इन द बिजनेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर टू बी केप्ट इन माइंड, पहली बात। दूसरी बात बेटा, देखिए कानून भी कोई चीज होती है, और जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट है हमारा, तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि किसी भी बिजनेस हाउस को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स 8 साल तक मेंटेन करने होंगे। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने नहीं बनाए तो बेटा क्या 8 सालों तक आप अपने बिजनेस की एक एक ट्रांजेक्शन को याद रख पाएंगे? और अगर रख भी पाएंगे तो आप उनको कोई भी उनका कोई प्रूफ नहीं दे पाएंगे डिपार्टमेंट को। सो दैट इज व्हाई द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। बिजनेस ट्रांजेक्शंस को एक जगह लिखना, सो दैट एज एंड व्हेन दे आर रिक्वायर्ड दे कैन बी यूज्ड। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सर मैं कहीं पर रिकॉर्ड नहीं कर रहा अपने ट्रांजेक्शंस को, अब प्रॉब्लम मेरे सामने ये आती है एट द एंड ऑफ द ईयर कि मुझे ये नहीं पता चल पा रहा कि सर मेरे बिजनेस में मुझे प्रॉफिट हुआ है या मेरे बिजनेस में मुझे लॉस हुआ है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो कितना हुआ है, लॉस हुआ है तो कितना हुआ है। अब बेटे एक बात बताइए, कोई भी बिजनेसमैन अगर लॉस के साथ बिजनेस को चलाता रहेगा तो कितने समय तक चलेगा? कुछ समय बाद बिजनेस ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए आपको इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होगा, फॉर विच अगेन अकाउंटिंग इज नेसेसरी। देन फाइनेंशियल पोजीशन असर्टेन करने के लिए कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ माय फाइनेंसेस, मेरी बैलेंस शीट की स्थिति क्या है। देखिए यहां पर आप बनाते हैं साहब बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या क्या होता है, दो चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है, जिसमें एक तो होते हैं एसेट्स, जो मैंने आपको बताया था पहले भी कि सर एसेट्स का मतलब होता है दोस थिंग्स विच आर ओन्ड बाय द बिजनेस इज नोन एज एसेट्स, एंड द क्लेम्स पेबल्स बाय द बिजनेस आर नोन एज लाइबिलिटीज, इन्हें लाइबिलिटीज कहा जाता है। तो ये फाइनेंशियल पोजीशन असर्टेन करने के लिए कि कितने लोगों से एसेट्स में हम रिकॉर्ड करते हैं कि कितने लोगों से मुझे पैसा लेना है, और लाइबिलिटीज में कहां कहां मुझे पेमेंट करनी है। एसेट्स में हम रिकॉर्ड करते हैं कि क्या क्या मैं ओन करता हूं, जैसे लैंड कितनी है बिजनेस के पास, बिल्डिंग है बिजनेस की, गाड़ी है, मोबाइल फोन है, अदर चीजें जो बिजनेस ओन करता है, कैश है, बैंक है, और भी अलग अलग चीजें होती हैं जो बिजनेस ओन करता है, कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी होती हैं बिजनेस के पास। तो देखिए सेकंड पॉइंट में आपने प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है, फॉर विच यू नीड टू मेक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरे में आपको निकालनी होती है फाइनेंशियल पोजीशन, फॉर विच यू आर गोइंग टू मेक बैलेंस शीट। अगला पॉइंट है बेटा प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। देखिए लास्ट क्लास में आखिरी टॉपिक था यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अब उन यूजर्स को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है बेटा, ठीक है। वहां हमने पढ़ा था कौन कौन लोग यूजर्स हैं, जैसे कि इंटरनल और एक्सटर्नल।
इंटरनल में कौन कौन था? सर ओनर से, मैनेजमेंट था और एम्प्लॉय से। आप एक्सटर्नल में कौन था? सर जैसे कि हमारे क्रेडिटर्स हैं, जैसे कि सर सोसाइटी है और सर सरकार यानी कि गवर्नमेंट है, और भी सर अलग अलग है, रिसर्चर्स भी हैं सर। हाँ बेटा ये सब है। तो बेटा अब इन लोगों को जो इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करने वाले हो, ये इंफॉर्मेशन आपको पहले तैयार भी तो करनी पड़ेगी। सो फॉर देम यू नीड टू मेक अकाउंट्स। अकाउंट्स बनाने के लिए आपको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। अगेन दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग कि सर मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। जैसे कि सरकार को क्यों चाहिए इंफॉर्मेशन? ताकि बेटर टैक्सेशन सिस्टम तैयार हो सके। सर ओनर्स को क्यों चाहिए? बेटा प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन को असर्टेन करने के लिए। बेटा एम्प्लॉयज को क्यों चाहिए? ताकि सर उन्हें ये पता चल सके कि हमारा बोनस मिलेगा नहीं मिलेगा, किस हिसाब से मिल सकता है, या हमारे जो इंक्रीमेंट्स ईयरली इंक्रीमेंट्स होने हैं वो होंगे या नहीं होंगे, किस हिसाब से होंगे। गुड, नेक्स्ट पॉइंट इज टू कंप्लाई विद लीगल रिक्वायरमेंट्स। बेटा लीगल रिक्वायरमेंट्स यानी कि कानून की। देखिए बेटा जो नोट्स आपको क्लास वन में दिए गए थे, किसके साथ बेटा? और क्लास के साथ दिए गए थे, क्लास ये आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स, इन नोट्स में इस टॉपिक में प्रोवाइडिंग सॉरी टू कंप्लाई विद लीगल रिक्वायरमेंट्स वाले टॉपिक में लिखा है कि कंपनीज एक्ट 1956 की बात करी है और वहां पर सेक्शन 209 की बात की गई है। बेटा सेक्शन 209 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 सेज कि सर हमें बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन अक्रूवल बेसिस बनाने हैं, ऐसा वहां लिखा हुआ है। देखिए बेटा यहां पर थोड़ा सा आपको चेंज करना होगा। यहां पर आप लिखेंगे कि सर सेक्शन 128 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। देखिए यहां पर मैं नोट्स में थोड़ा सा चेंजेस करा रहा हूं। देखिए 1956 भी अगर आप वो भी लिखते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन वो पुरानी बात हो चुकी है। अब हमारे पास नया कंपनीज एक्ट अवेलेबल है, तो आप लिखेंगे उसमें सेक्शन 128 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 सेज कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है, ऑन अक्रूवल बेसिस भी नहीं लिखा कंपनीज एक्ट 2013 में। ऐसे ही बेटा इनकम टैक्स एक्ट भी कहता कहता है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इनकम टैक्स को आपसे इनकम टैक्स कलेक्ट करना है, आपसे टैक्स लेना है, तो उसको आपका प्रॉफिट एंड लॉस जानना होगा, आपकी बैलेंस शीट भी वो मांगेगा आपसे। और आखिरी पॉइंट है बेटा मैनेजमेंट कंट्रोल। देखिए मैनेजमेंट को बिजनेस पे कंट्रोल करना है, डिसीजंस लेने हैं उनको, ना बेटा डिसाइड करना है कि आगे उन्हें कितना मतलब फंड्स अरेंज करने हैं, उनको कैसे बिजनेस ऑपरेट करना है, क्या क्या उनको और आगे एक्सपेंशन प्लान्स बना सकते हैं, ये सब करने के लिए उन्हें अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिएगी। एंड अगेन फॉर देम वी नीड टू मेक अकाउंट्स। देखिए अभी क्या होता है, बिजनेस जब काम कर रहा है तो बेटा वो कुछ फिक्स जैसे थे यानी कि मशीन जैसे कि उन्हें भी इस्तेमाल कर रहा होगा। अब मशीन्स की खासियत होती है या उनमें समस्या होती है कि वो जैसे जैसे यूज होती रहती है तो उनकी वैल्यू कम होती रहती है बेटा, मींस उनकी प्रोडक्टिविटी कम होती रहती है। और जब वो प्रोडक्टिविटी कम होती रहती है तो मैनेजमेंट को फ्यूचर के लिए ये भी डिसाइड करके रखना है कि साहब हमें फ्यूचर में दोबारा मशीन खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि पुरानी मशीन तो खराब हो जाएगी अपनी। अब जब पुरानी मशीन खराब हो जाएगी बेटा तो उस चीज के लिए उन्हें आज ही तैयारी करनी होगी, तो उसे कहते हैं हम बजटिंग। उनको अपने बजट तैयार करने होंगे, उनको फोरकास्टिंग करनी होती है बेटा कि आज हमने कितनी सेल्स करी, फ्यूचर में हम कितनी सेल्स कर सकते हैं, आज हमारे खर्चे कितने हैं, फ्यूचर में हमारे खर्चे कितने होंगे। तो इन सब चीजों के लिए बेटा उसे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। एंड फॉर दैट दे नीड अकाउंट्स, एंड फॉर देम वी द अकाउंटेंट्स नीड टू मेक द अकाउंट्स। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहला है बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, क्योंकि उन सबको याद रख पाना पॉसिबल नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है,
ताकि हमें पता चल जाए कि हम बिजनेस में ग्रो कर रहे हैं या नहीं। हमारे फाइनेंशियल पोजीशन को असर्टेन करना है हमें, यानी कि ये पता हो हमारे पास कि क्या क्या चीजें हम ओन करते हैं और क्या क्या हमारे को देना है, क्या क्या हमारे ऊपर देनदारी है, लाइबिलिटीज है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के जो यूजर्स हैं बेटा, उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए भी अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे हमें। फिर लीगल रिक्वायरमेंट्स, जैसे कि हमने लिखा कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 128 कहता है कि साहब आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, ठीक। और ऐसे ही मैनेजमेंट के कंट्रोल के लिए भी हमें अकाउंट्स तैयार करने पड़ेंगे। चलिए बेटा अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। चलिए एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग में देखते हैं क्या है कि अकाउंटिंग करने के क्या क्या फायदे होते हैं हमें। देखिए सबसे पहला फायदा क्या है, एसेस द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट देखिए इसको लिंक करिए ऑब्जेक्टिव से अपने। अभी अभी हम पढ़ के आए कि मैनेजमेंट को क्यों चाहिए होता है, तो जो ऑब्जेक्टिव है वही उसका एडवांटेज भी बनेगा। भाई मैनेजमेंट को फोरकास्टिंग करनी है, मैनेजमेंट को अपने बजट तैयार करने हैं, तो अगर अकाउंट्स बना लिए, अकाउंटिंग कर ली, तो सर मैनेजमेंट को हेल्प हो जाएगी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए, अपने प्रोजेक्ट्स के लिए प्रोजेक्शंस करने के लिए, अपनी फोरकास्टिंग करने के लिए, अपने बजट तैयार करने के लिए उनके पास एक वैलिड डाटा होगा। देन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस कि सर मुझे प्रॉफिट हुआ बिजनेस में या लॉस हुआ, ये मुझे अकाउंटिंग बताएगा। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन, अगेन वही सर बैलेंस शीट की बात होगी, यहाँ पे बैलेंस शीट बनी हुई है तो आपको पता चल जाएगा कि कितने एसेट्स हैं आपके पास, कितनी लाइबिलिटीज हैं, किन किन से पैसा लेना है, किन किन को पैसा देना है। हेल्प इन रिमेम्बरिंग, देखिए ऑब्जेक्टिव का पहला पॉइंट था कि रिकॉर्ड करना है बिजनेस ट्रांजेक्शन को, है ना। अब बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए मैंने बताया था कि आपको याद रखने में समस्या होगी। अब जब आपने कोई चीज लिख ली बेटा तो उसे याद रखने में आपको आसानी हो जाएगी। दैट इज व्हाई अकाउंटिंग इज डन, सो दैट ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन विच इज टेकिंग प्लेस, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है ना, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन विच इज टेकिंग प्लेस इन द बिजनेस, दैट कैन बी रिमेम्बर्ड विद द हेल्प ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। कंपैरेटिव स्टडी करने के काम आता है। बेटा मेरा बिजनेस ना पिछले 3 सालों से चल रहा है, यानी कि 3 साल, मान लीजिए कि आप मानिए 2017, 18, 2018 और 2019, ये 3 सालों से मेरा बिजनेस बेटा चल रहा है। अब मान लीजिए मैंने इसमें करी थी 1 CR की सेल, यहां पर करी मैंने 1.3 CR की सेल, और यहां करी मैंने 1.5 CR की सेल। तो नाउ आई कैन कंपेयर कि सर मेरा बिजनेस कितनी ग्रोथ कर रहा है ना, कंपैरिजन किया जा सकता है। अब और भी, ये तो एक बात हुई सी मतलब सेल्स की, है ना, ऐसी और भी चीजें होंगे, यानी कि जैसे कि आपके खर्चे है ना, एक्सपेंसेस और परचेजेस, तो इन सब चीजों को कंपेयर किया जा सकता है। पोजीशन ऑफ योर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज भी इसमें कवर हो जाएगा। तो अब एक बार बताइए, अगर आपके पास अकाउंट्स नहीं है, आपने अकाउंटिंग नहीं करी, तो क्या ये कंपैरिजन पॉसिबल है? सो द आंसर इज नो, क्योंकि बेटा पिछले साल की या उससे भी पुरानी सारी फिगर्स को याद रखना इज इम्पॉसिबल। तो जब ये इम्पॉसिबल है बेटा कि अगर आपने उसको लिखा नहीं है, आपने अकाउंट नहीं बनाए, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो कंपैरिजन करेंगे कैसे? फॉर डूइंग कंपैरिजन अगेन अकाउंटिंग इज वेरी नेसेसरी, अगेन दिस इज द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। देन पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स एंड सेल्स टैक्स, देखिए इनकम टैक्स देना है, अकाउंट्स मैंने बनाए नहीं, मुझे पता नहीं मेरा मुनाफा कितना हुआ, अब बताओ सरकार को टैक्स कितना दूं? सर ऐसे दे दो ना 2 लाख रुपए का टैक्स। बेटा 2 लाख तो पूरे साल में कमाए भी नहीं, 2 लाख का टैक्स दे कैसे दें? ठीक है सर 2,000 रुपए दे दो। सर बेटा कमाए तो 1 लाख रुपए हैं, तो अब 2,000 किस हिसाब से दे दें? तो
से हिसाब रख पाना मुश्किल है. फॉर दैट वी नीड टू मेक अकाउंट्स. सेल्स टैक्स के आगे बेटा एक शब्द लिखा है जीएसटी, आप लोगों ने बहुत भली भांति रूप से सुन रखा है, जिसके फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. देखिए सेल टैक्स जो है वो पुराना वर्जन है और सेल टैक्स का नया वर्जन जीएसटी है. जीएसटी का एक पार्ट है बेटा सेल्स टैक्स. जीएसटी के अंदर सेल टैक्स जैसे बहुत सारे टैक्सेस को इनकॉर्पोरेट किया गया है. देखिए क्या होता है कि जीएसटी जो है वो है इनडायरेक्ट टैक्स. सेल टैक्स भी इनडायरेक्ट टैक्स था और इनकम टैक्स है आपका डायरेक्ट टैक्स. तो बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म कर एक सिस्टम बनाया गया है जिसका नाम है जीएसटी. अब बेटा यहां पर अभी आप इतना समझिए कि जब आपने गुड्स बेचे तो उनके ऊपर टैक्स बनता था जिसे सेल टैक्स कहते थे पहले, अभी उसको जीएसटी कहते हैं ऐसा मान लो. ठीक, अब कितनी सेल करी आपने, आपने तो अकाउंट्स लिखे ही नहीं थे तो कैसे पता चले कि कितना सेल्स टैक्स देना है. सो फॉर दैट आपको अकाउंट्स बनाने होंगे. सो इसीलिए पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स एंड सेल्स टैक्स इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग. कि सर अगर आपने अकाउंटिंग कर रखी है तो आप बड़े आराम से अपना इनकम टैक्स या सेल्स टैक्स या अदर टैक्सेस को पे कर सकते हैं. लोन लेने में आसानी रहती है बेटा. बैंक से जब लोन ले जाओगे तो बैंक आपका हिस्टोरिकल डाटा मांगेगा. भाई बैंक आपको ऐसे तो पैसे देगा नहीं. बैंक कहेगा सर अपनी हिस्ट्री दिखाइए जरा, कितना कमाते हैं, कैसे कैसे कमाते हैं सब बताइए. और बैंक आपसे प्रोजेक्शंस मांगेगा आपके फ्यूचर के. अब एक बार बताओ बेटा, मैंने पुराना डाटा तो रिकॉर्ड करने ही रखा था तो मैं फ्यूचर के प्रोजेक्शंस कैसे दूंगा. देखिए इन द फील्ड ऑफ अकाउंटेंसी एक्सपर्ट्स आर देयर जिन्हें आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के नाम से जानते हैं और आप में से बहुत सारे बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे भी. तो बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक बहुत अच्छा काम होता है कि वो प्रोजेक्शंस बनाता है, वो फ्यूचर बता देता है कि आप कितनी सेल्स कर सकते हैं, कितना पोटेंशियल है आपके अंदर, कितना मुनाफा कमा सकते हैं आपके बिजनेस में, कितना पोटेंशियल है. तो ये सब चीजें आपको लोन लेने के टाइम पर जरूरत पड़ेगी और बेटा इन सब के लिए आपको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी. सेल ऑफ बिजनेस, बेटा अब ना मैं अपना बिजनेस बेचना चाहता हूं, आप आए मेरे पास खरीदने के लिए कि सर हम खरीदेंगे आपका बिजनेस, बताओ कितने पैसे लोगे. मैंने कहा दे दो इसके 5 करोड़ रुपए आप मुझे. आपने कहा किस हिसाब से दे रहे हैं इसके सर 5 करोड़ रुपए. मैंने कहा भाई देखो इतना बड़ा बिजनेस है मेरा, दे दो 5 करोड़. तो आप कहोगे सर किस हिसाब से दे रहे हैं, हिसाब दिखाओ. अब बेटा हिसाब क्या दिखाऊं, मुझे अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आपको दिखानी पड़ेगी और अगर वो मेरे पास नहीं है तो आप मुझे 5 करोड़ क्या 5 फूटी कौड़े भी नहीं दोगे. ठीक, आगे चलते हैं. हेल्प्स इन रियलाइजेशन ऑफ डेट्स. हेल्प्स इन रियलाइजेशन ऑफ डेट्स. ठीक, मैंने उधार दे दिया था बेटा, बहुत बड़ा दिल है हमारा, हम उधार दे देते हैं. बहुत सारे लोगों को हमने उधार दे रखा था, अब लिखा कहीं नहीं था. कैसे याद रखें किस किस को उधार दिया था, कब दिया था, कितना दिया था और कब लेना है उससे. तो अगर आपने अकाउंट्स लिख रखे हैं तो अगेन आप इस चीज को पहचान सकते हैं. लास्ट इज प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ. सर अगर बिजनेसमैन को कानून के कोर्ट में जाकर, कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर अपने अकाउंट्स दिखाने हैं, कोई भी उसके ऊपर केस हो गया है, उसे प्रूफ के तौर पे अपने अकाउंट्स सबमिट करने हैं तो बेटा उसे रिटर्न अकाउंट्स ही तो चाहिएंगे. तो अगेन इट इज एन एडवांटेज ऑफ डूइंग अकाउंटिंग. चलिए बेटा अब एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग के बाद अगला टॉपिक हमारा लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग. देखिए हर सिक्के के दो पहलू होते हैं बेटा, एक अच्छा और एक बुरा. इसी तरीके से हर कॉन्सेप्ट के जिसके एडवांटेजेस हैं उसकी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत लिमिटेशंस जरूर होती हैं. इसी तरीके से अकाउंटिंग के कुछ लिमिटेशंस हैं बेटा. पहली लिमिटेशन है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज नॉट एब्सोल्युटली एग्जैक्ट. देखिए यह
यहाँ पर जो फिगर्स हैं वो एब्सोल्युटली एग्जैक्ट नहीं होते। इसका मतलब क्या है? देखिए पर्सनल बाइस यानी कि मैं जब फिगर्स को नोट डाउन कर रहा हूं या जब मैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कन्वेंशंस एंड प्रोसीजर्स को अप्लाई कर रहा हूं या अपना जजमेंट लगा रहा हूं तो मैं लगा रहा हूं मैं एक ह्यूमन बीइंग हूं बेटा। तो यहां पर पहली बात तो गलती होने के भी चांसेस हैं और जानबूझकर गलती की भी जा सकती है। हो सकता है कि मेरे जजमेंट्स गलत हों, मेरे एस्टिमेट्स गलत साबित हों, हो सकता है कि जो मैं जजमेंट्स कर रहा हूं बेटा वो मेरे हिसाब से तो ठीक है लेकिन प्रिंसिपल्स कन्वेंशंस और कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से गलत है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने जब हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ रहे थे बेटा तो हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट इसको अपने फोरकास्ट के लिए यूज करती है, अपने बजट बनाने के लिए यूज कर सकती है। तो बेटा इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट जब मैनेजमेंट अपने बजट्स तैयार कर रहा है उस वक्त उनके बजट्स में कुछ ना कुछ गलती हो जाए। अब जैसे कि हमने एक बात करी थी कि मशीन की वैल्यू कम होती है जब हम उसे इस्तेमाल करते हैं वो खराब हो जाती है तो बेटा इसे कहते हैं कि डेप्रिसिएट होती है मशीन। मतलब डेप्रिसिएशन एक कॉन्सेप्ट है जो हम न्यूमेरिकली पढ़ेंगे। हो सकता है कि हम डेप्रिसिएशन गलत निकालते हो, उसमें हमें एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट की रिक्वायरमेंट होती है तो उसके लिए हमें जजमेंट करना होता है कि साहब कितना होगा इसका एस्टिमेटेड लाइफ किसी भी एक पर्टिकुलर एसेट की, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल। अब हो सकता है कि जो हमने एस्टिमेट लगाया हो वो गलत हो। तो कुल मिलाकर एब्सोल्युटली एग्जैक्ट होती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं कहा जा सकता। यहां पर देखिए हम मान के चलते हैं कि एग्जैक्ट होगी लेकिन एब्सोल्युटली एग्जैक्ट होगी ऐसा नहीं माना जाता। यहां पर चांसेस होते हैं कि गलती हो सकती है। अब अगला पॉइंट है अकाउंटिंग डज नॉट इंडिकेट रियलाइजेबल वैल्यू। देखिए अकाउंटिंग करते वक्त जैसे हमने फाइनेंशियल पोजीशन को डिपेक्ट करते हैं बेटा यानी कि हम बैलेंस शीट जब बनाते हैं तो हमने पढ़ा था कि उसमें हम एसेट्स और लाइबिलिटीज की बात करते हैं। एसेट्स आर द थिंग्स व्हिच आर ओन्ड बाय द बिजनेस। अब बेटे एसेट्स में आपकी प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग लैंड ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं कैश। तो बेटा क्या ऐसा हो सकता है कि जो हमने वैल्यूज अपनी एसेट की रिकॉर्ड कर रखी हो वो रियलाइजेबल हो या ना हो? क्या दोनों बातें पॉसिबल है? सो द आंसर इज यस। देखिए इसका कारण क्या है? इसका कारण है आखिरी पॉइंट। देखिए आखिरी पॉइंट क्या लिखा है? अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। देखिए हमने एक जमीन खरीदी उस पे बिल्डिंग बनाई। अब बेटे बिल्डिंग बनाई थी 20 साल पहले तो 20 साल पहले बिल्डिंग मटीरियल सस्ता आता था, बिल्डिंग कम पैसों में बन गई थी। लेकिन आज उस बिल्डिंग मटेरियल की और उस बिल्डिंग की वैल्यू ज्यादा है लेकिन फिर भी हम उसकी वैल्यू अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में चेंज नहीं करते। हम उसे घटा तो सकते हैं, डेप्रिसिएट तो कर सकते हैं बट वी कैन नॉट इंक्रीज द वैल्यू क्योंकि अकाउंटिंग का एक सिद्धांत है कि सर हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही काम करना है। तो बेटा अब जब हिस्टोरिकल कॉस्ट पे काम कर रहे हैं तो वो उसकी एक्चुअल रियलाइजेबल वैल्यू भी गलत ही बताएगा। ठीक, देन पूरी प्रॉपर पिक्चर को प्रेजेंट नहीं करता आपकी अकाउंटिंग। अकाउंटिंग डज नॉट प्रेजेंट द होल पिक्चर। देखिए इसका मतलब क्या है? मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग डज नॉट प्रेजेंट द होल पिक्चर। देखिए यहां पर हम बात करेंगे कुछ अपने क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस के। देखिए हम लोग जितनी भी अकाउंटिंग करते हैं हमने डे वन पे ही पढ़ा था कि साहब जो अकाउंटिंग की जाएगी वो केवल उन चीजों की जाएगी विच आर फाइनेंशियल इन नेचर एंड विच कैन बी रिकॉर्डेड इन मॉनेटरी टर्म्स। लेकिन जो नॉन मॉनेटरी
ट्रांजैक्शंस हैं उनका क्या होगा बेटा? क्या वो कोई अहमियत नहीं रखते? हम केवल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को इग्नोर कर रहे हैं, इसीलिए एक कंप्लीट पिक्चर शो नहीं करता। मेरा बिजनेस मुनाफा तो बहुत कमाता है लेकिन रिलेशनशिप विद कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज अच्छे नहीं है, तो क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है रिकॉर्ड करने के लिए? इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे अकाउंटिंग में। मैं कैसी क्वालिटी के गुड्स बना रहा हूं, क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है? सर इंपॉर्टेंट है, बट वी आर नॉट रिकॉर्डिंग सच थिंग्स इन अकाउंटिंग। Hence, accounting does not give complete picture. Whole picture is not shown or presented by accounting. Then, does not carry level of accuracy. Again, complete accuracy नहीं होती। देखिए, financial accounting में जो आप information है बेटा, वो आपकी कुछ accounting की fundamental assumptions, principles, conventions and concept based होती हैं। अब बेटा ये सब चीजें यूज करने के लिए अकाउंटेंट साहब का, मुनीम जी का एक्सपीरियंस भी काम आता है। अब उनका एक्सपीरियंस गलत था, मुनीम जी ने गलत चीजें सोची, प्रिंसिपल्स को गलत तरीके से लगाया और रिजल्ट गलत विड्रॉ कर दिया। तो ये क्या है? ये एक्सपीरियंस की कमी है, लेकिन ये अकाउंटिंग की भी कमी है, क्योंकि इसमें ऐसा पॉसिबल है। विंडो ड्रेसिंग एंड बैलेंस शीट, देखिए विंडो ड्रेसिंग का मतलब है कि छेड़छाड़ की जा सकती है, फिगर्स को बदला जा सकता है और गलत पिक्चर शो की जा सकती है। देखिए बहुत सारे केसेस हैं फाइनेंशियल मार्केट में, जब आप जाएंगे देखेंगे तो वहां पर आपको ऐसे बहुत सारे केसेस मिलेंगे जिनमें आप पाएंगे कि सर बिजनेस तो बहुत मेजर लॉसेस में था, लेकिन वहां के मालिक अकाउंटेंट साहब और कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब ने मिलकर उसकी पूरी पिक्चर को बदल दिया। उस लॉस में जाते हुए बिजनेस को नुकसान का बिजनेस बना दिया, सॉरी मुनाफे वाला बिजनेस बना दिया। सो दिस इज कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग। मींस उन्होंने प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस, कॉन्सेप्ट्स, फंडामेंटल अजम्पशंस की धज्जियां उड़ाते हुए वहां पर अपने आप कुछ बातें बदल दी और जिसकी वजह से पूरी पोजीशन चेंज हो गई। एंड अगेन दिस इज द लिमिटेशन, बिकॉज ये पूरी इंफॉर्मेशन चेंज कर रहा है, विच इज रॉन्ग इन नेचर। चलिए बेटा इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक की तरफ चलते हैं, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। देखिए बेटा सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में हमारे पास दो सिस्टम्स अवेलेबल हैं, वन इज डबल एंट्री सिस्टम एंड द अदर वन इज सिंगल एंट्री सिस्टम। देखिए नॉर्मली हम लोग इंडिया में और हर जगह डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं, सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम बहुत कम बिजनेसेस में फॉलो किया जाता है। क्यों सर कम बिजनेस में क्यों फॉलो करते हैं? जब दो सिस्टम अवेलेबल हैं तो हम किसी को भी क्यों फॉलो नहीं करते? हमारे मतलब ऐसा क्यों है कि डबल एंट्री को ज्यादा फॉलो किया जाता है? उसका कारण यह है बेटा कि डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम पे लोगों का भरोसा ज्यादा है, क्योंकि वो बिल्कुल सही अकाउंटिंग करता है। लेकिन अगर हम बात करें सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम की, तो बेटा वहां पर प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं हो पाती, क्योंकि वहां पर आप बहुत सारी चीजों को इग्नोर कर देते हैं, बहुत सारे अकाउंट्स आप बनाते ही नहीं हैं। वहां पर मेजर फोकस होता है पर्सनल अकाउंट्स एंड कैश बुक के ऊपर, ठीक, जिसमें कि प्रॉपर ट्रू पिक्चर डिपेक्ट नहीं की जा सकती। इन सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम हम लोग डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम को इनकम्प्लीटली फॉलो करते हैं, कर हम लगभग वही काम रहे होते हैं जो हम डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में करते हैं, लेकिन उसको पूरी तरीके से ना करकर इनकम्प्लीटली जब हम करते हैं तो उसे कहा जाता है सिंगल एंट्री सिस्टम, और इसको रिकॉर्ड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। देखिए इसके नाम में ही क्या है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ठीक।
तो यहां पर ना बेसिक जो होता है वो क्या होता है कि बस ये निकाल लो साहब मुनाफा हुआ नहीं हुआ, ये देख लो ओनर की कैपिटल बढ़ी नहीं बढ़ी, ओनर जो ने जो पैसा लगाया था बिजनेस में वो बढ़ा या नहीं बढ़ा, बस ये देख लो, बाकी चीजें इग्नोर कर देते हैं। दैट इज व्हाई इसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। आप ये न्यूमेरिकल चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक। और बाकी रही बात डबल एंट्री सिस्टम की, तो बेटा पूरे कोर्स में आप पढ़ेंगे ही डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। देखिए फीचर से शुरू करते हैं, डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के फीचर से स्टार्ट करते हैं। फीचर्स क्या हैं? सबसे पहली बात तो कंप्लीट रिकॉर्ड होता है बेटा, इसमें कुछ भी छोड़ा नहीं जाता, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कंप्लीटली रिकॉर्ड कर लिया जाता है। कंप्लीटली रिकॉर्ड कैसे किया जाता है सर? ये है टू फोल्ड एस्पेक्ट्स अकाउंटिंग सिस्टम। टू फोल्ड एस्पेक्ट का मतलब है कि यहां पर हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, जिसमें से एक होता है डेबिट का पहलू और दूसरा होता है क्रेडिट का पहलू। और बेटा एक चीज और होती है कि यहां पर हमेशा हमेशा होगा बेटा कि दोनों पहलू एक दूसरे के बराबर होंगे, यानी कि टोटल ऑफ डेबिट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द टोटल ऑफ क्रेडिट। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें बेटा, तो टोटल ऑफ एसेट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू द टोटल ऑफ लाइबिलिटीज। अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, तो बेटा टोटल ऑफ एक्सपेंसेस विल ऑलवेज बी इक्वल टू द टोटल ऑफ इनकम, क्योंकि एक्सपेंसेस से के टोटल में आपका प्रॉफिट एंड लॉस छुपा होता है, तो उसको एडजस्ट करने के बाद बराबर आ जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि टोटल ऑफ डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल ऑफ क्रेडिट। क्या फायदे हैं इसके? सिस्टमैटिक सिस्टम है बेटा, इसके लॉजिक्स हैं, इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ प्रोसीजर्स हैं कि सर डेबिट एंड क्रेडिट का एस्पेक्ट होगा इसमें, डेबिट हमेशा क्रेडिट के बराबर होगा, कंप्लीट रिकॉर्ड होता है, प्रॉफिट एंड लॉस आ जाता है इससे, अकाउंट्स की एक्यूरेसी पे एक चेक है क्योंकि आप हर चीज के दो पहलुओं को रिकॉर्ड कर रहे हैं। भाई एक बार बताइए, मैंने गुड्स खरीदे, सर जब मैंने गुड्स खरीदे तो क्या सामने वाले ने बेचे नहीं होंगे? हाँ सर, जब गुड्स मेरे पास आए तो क्या बेटा मेरे पास से पैसा नहीं गया होगा? हाँ सर। तो हर चीज के दो पहलू होते हैं बेटा, एवरी कॉइन हैज टू फेसेस। कंपैरेटिव स्टडी करने के काम आता है ये। कंपैरेटिव स्टडी कौन सी बेटा? जो हमने अभी पढ़ी थी, जिसमें आप पिछले सालों से कंपैरिजन कर सकते हैं हर एस्पेक्ट से, खर्चों के हिसाब से, कमाई के हिसाब से, और आपके ये पोजीशंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज के हिसाब से, हर तरीके से आप कर सकते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल इन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। फाइनेंशियल पोजीशन को असर्टेन किया जा सकता है, डिसीजन मेकिंग की जा सकती है, डिसीजन मेकिंग इज डन बाय द मैनेजमेंट, है ना बेटा? नो स्कोप ऑफ फ्रॉड, क्योंकि आप इसके ड्यूअल एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं। दैट इज व्हाई स्कोप ऑफ फ्रॉड रिड्यूसेस टू जीरो। देखिए आप क्या कर रहे हैं, आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, अपने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को कंप्लीटली रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो फ्रॉड के चांसेस जीरो की तरफ हो जाते हैं। देखिए लेकिन हर चीज की लिमिटेशंस होती हैं। लिमिटेशंस क्या हैं डबल एंट्री सिस्टम की? आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए बुक कीपिंग की। अगर आपके पास कंप्लीट नॉलेज नहीं है बुक कीपिंग की, तो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करना इम्पॉसिबल है बेटा। इसीलिए मुनीम जी को प्रॉपर अकाउंट्स का स्टूडेंट होना पड़ेगा। कॉम्प्लिकेटेड मेथड है बेटा, क्योंकि इसके अंदर रूल्स, प्रोसीजर्स, देन आपके कन्वेंशंस, अजम्पशंस, सारी चीजों का इस्तेमाल होगा। उनके बिना आप ये चीजें मतलब डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पाएंगे। अब बेटा देखिए, आपके पास कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए और कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, तो सीधी सी बात है कि पैसे बहुत खर्च होने वाले हैं डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम पे अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए। एक छोटे से छोटे बिजनेस में मुनीम साहब जो होते हैं वो 25,000 से 30,000 रुपए सैलरी मिनिमम लेंगे,
नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस, इतने सारे पैसे छोटा बिजनेस नहीं खर्च कर पाएगा केवल अकाउंटिंग करने के लिए। छोटे बिजनेसेस इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं ज्यादातर, और जो बड़े स्केल के लार्ज स्केल बिजनेसेस होते हैं वो लोग फॉलो करते हैं बेटा डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, क्योंकि वो लोग खर्चा उठा सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। विद दिस वी एंड आवर क्लास हियर। इन द नेक्स्ट सेशन इन लेक्चर नंबर 3 we will be meeting with the next chapter. Till then, take care beta, bye bye, be safe at your home.